हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद रोहित 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे कम से कम समय में, 5 से 7 सेकंड में क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया, यदि 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो, बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या बोला है? लाभ प्रतिशत ज्ञात। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये जो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये क्या है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य जितना है ये, और इसमें से कितना इतना वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वस्तुओं का क्रय मूल्य और वस्तुओं का विक्रय मूल्य के दोनों के बीच क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। ये दोनों का अंतर निकालेंगे कितना रहेगा, 10। ये क्या गया 10, जबकि वस्तुओं का 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इसको क्या करेंगे, हम रखेंगे नीचे और किससे गुना करा देंगे, 100 से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। तो ये जो निकलेगा 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100, ये जो निकल के आया ये क्या हो गया, लाभ परसेंट। ये क्या हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर 25%। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो इतना से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को मसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। मतलब फिर से दोस्तों समझ लीजिए, अगर क्या रहे 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तुओं का क्रय मूल्य जहाँ से बोलेगा, फिर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो बोलता है इसमें से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य वाले वस्तुओं को घटा देंगे, यानी 50 में से 40 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जितना आएगा उसके बाद क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वाले टर्म को याद रखना, विक्रय मूल्य वाले टर्म को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, उसके बाद 100 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, लाभ परसेंट निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने की स्थान पर 25% लाभ पर बेचता है तो 50 रुपये का अधिक लाभ होता है। कितना होता है, 50 रुपये का अधिक लाभ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो 20% पे बेचना था इसको, लेकिन बेच रहा है कितना पे, 25% पे, यानी कितना परसेंट पे ज़्यादा बेच रहा है, -20% करेंगे, यानी कि 5% जो है अधिक पे बेच रहा है। तो 5% अगर अधिक पे बेचता है 50 रुपये क्या होता है, अधिक होता है। इसका कहने का मतलब 5% का वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना, 50/5। तो 100% का वैल्यू कितना, 50/5 × 100। इसको काटेंगे 10 से, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो गया, 1000 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य जो हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपया। क्रय मूल्य 1000 रुपया क्या हो गया, आंसर हो गया। या हम दूसरी तरीका से भी बना सकते हैं, यदि बोल रहा है कितना 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, 5% का वैल्यू डायरेक्ट देखेंगे कितना आ रहा है, 5% का वैल्यू कितना, 50 रुपया। तो डायरेक्ट हम 100% का वैल्यू लिख सकते हैं, ये 5 गुना हो रहा है, तो इसको कितना गुना, 20 गुना हो रहा है, तो इसको भी 20 गुना कर देंगे, तो 50 गुना 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, 100। 1000 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अगर ऐसा कहीं पर, अगर यहाँ पर 30% रहे, यहाँ पर 30 कर दिया जाए, 40 कर दिया, तो भी क्या करेंगे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।